अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं आपके लिए बजट सीरीज़ के साथ दोबारा आ चुका हूँ। आज हम बजट सीरीज़ का तीसरा रिव्यू कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पाक व्हील्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या उनसे रिलेटेड ऑटोमोबाइल पार्ट्स की खरीदो फरोख्त के लिए भी आप PakWheels.com को विजिट कर सकते हैं। सुजुकी ने सन 2000 में पहली बार ऑल्टो को पाकिस्तानी मार्केट के लिए लॉन्च किया था। ये गाड़ी तकरीबन 12 साल तक मार्केट में आती रही है और इस दौरान गाड़ी का एक फेस अपलिफ्ट आया था, जो कि इस वेरिएंट के अंदर आप देख सकते हैं। ये पोस्ट फेस अपलिफ्ट मॉडल है, तो इसके अंदर ये जो आपकी ब्रेक लाइट्स हैं और गाड़ी के जो क्रिस्टल हेडलैम्प्स हैं उनका फर्क था, बाकी गाड़ी मोर लेस सेम थी। आज का रिव्यू जो हम कर रहे हैं ये पोस्ट फेस अपलिफ्ट मॉडल के ऊपर है और ये 2010 मॉडल की ऑल्टो है जिसके ऊपर हम रिव्यू कर रहे हैं। सुजुकी ऑल्टो जो है इसमें दो वेरिएंट्स आते थे, VX और VXR। उन दोनों में ज़्यादातर जो डिफरेंस था वो थोड़ी बहुत चीज़ों का था, जिनमें मेजर चीज़ अगर आप देखें तो AC, एयर कंडीशनर, गाड़ी का जो साउंड सिस्टम वो, गाड़ी के मैचिंग बम्पर और व्हील कप्स हैं। उसके अलावा बाकी दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम थी। जहाँ तक इस गाड़ी की कंपटीशन का ताल्लुक है तो मार्केट में कम्पीट करती थी सुजुकी की जो अपनी एक और गाड़ी थी कल्टस, उसके साथ डेहाट्सू कोरे या फिर सेंट्रो। हम ज़्यादातर बजट सीरीज़ में बाकी दो गाड़ियों का रिव्यू कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द आपके लिए सुजुकी कल्टस का रिव्यू भी लेके आएंगे। बट अभी फिलहाल हम इस गाड़ी के, अगर आपको कंपटीशन के साथ साथ ये बताते चलें कि 2012 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी जिसमें नॉन EFI इंजन जो थे वो डिसकंटिन्यू करने का कंपनीज को कहा गया था। सो ये गाड़ी और जो कोरे है ये दोनों इस पॉलिसी का शिकार हुए थे, जबकि सुजुकी ने अपनी दोनों गाड़ियों कल्टस और महरान के अंदर EFI इंजन जो है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया था और वो आज तक कंटिन्यू करते आ रही है। ये और कोरे उस पॉलिसी के बाद खत्म हो गए थे। गाड़ी के जहाँ तक एक्सटीरियर का ताल्लुक है तो हम फ्रंट से इसका शुरू करते हैं। गाड़ी के अंदर क्रिस्टल हेडलाइट्स हैं बिकॉज ये फेस अपलिफ्ट वर्जन है, उससे पहले वाली में सिंपल थी। एक और चीज़ जो उस ज़माने की गाड़ियों में नहीं आता था, मैंने पिछले रिव्यू में बताया था कि मैचिंग बम्पर जो है वो उस ज़माने में बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती थी या बहुत रेयर होती थी। सो इसके अंदर जो VXR वेरिएंट था इसमें मैचिंग बम्पर आते थे। फ्रंट सिंपल ग्रिम थी विद अ क्रोम लाइनिंग। देयर वाजंट समथिंग एनी फैंसी इन दिस कार। इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी, अगेन मैं आपको हमेशा ही बताते रहता हूँ कि उसमें गाड़ी की शेप के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता जितना गाड़ी की प्राइस और फ्यूल एफिशिएंसी भी दिया जाता है। साइड पे भी अगर आप आ जाएं तो आपको गाड़ी में कोई खास कर्व्स नज़र नहीं आएंगे। सुजुकी का सिग्नेचर साइड व्यू मिरर जो है, जो महरान में साला साल से आ रहा है, वो इसमें इस्तेमाल किया गया था। एंड अगेन अगर आप साइड से देखें तो आपको कोई गाड़ी में एक्स्ट्रा चीज़ नज़र नहीं आती थी, बट इट वॉज वेरी सिंपल कार। रेयर जो लाइट्स हैं, अगेन ये फेस अपलिफ्ट मॉडल में क्रिस्टल लाइट दे दी गई थी जो कि बहुत खूबसूरत हैं। और अगर आप गाड़ी की पिछली साइड को देखें जो इसकी रेयर लुक है, दैट इज़ मोर मॉडर्न देन द फ्रंट लुक। डिग्गी इसकी पूरी जो है वो, और इसका जो अभी भी लुक है, अगर आप इसको आज के ज़माने की जितनी जैपनीज इंपोर्ट की गाड़ियाँ हैं उनसे भी कंपेयर करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उस लिहाज से किसी गाड़ी से कोई ज़्यादा आउटडेटेड लगती है। बट फ्रंट और साइड जो है वो गाड़ी का बड़ा सिंपल सा है। गाड़ी के जहाँ तक व्हील का ताल्लुक है तो गाड़ी में कंपनी फिटेड जो है स्टील रिम्स आते थे और उसके ऊपर 12 इंच का जनरल का टायर आता था। इस वेरियंट के ऊपर इन्होंने अलॉय रिम्स डाले हुए 12 के, और टायर भी चेंज किया है, बट कंपनी फिटेड 12 इंच का टायर आता था जनरल का और उसके ऊपर स्टील रिम्स आते थे। विद अ डिफरेंस, VXR के अंदर आपके पास व्हील कप आता था जबकि VX जो नॉर्मल था उसमें वो सेंटर में एक सिंपल ब्लैक रंग का एक गोला सा आता था जिसको व्हील कप नहीं, व्हील कैप कह सकते थे। गाड़ी के जहाँ तक इंटीरियर का सवाल है तो जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी का इंटीरियर को बहुत ज़्यादा फ्लैशी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, बट उस ज़माने की अगर सुजुकी की दूसरी गाड़ियों के लिहाज से देखा जाए तो गाड़ी का इंटीरियर बहुत बेहतर था। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी महरान से बहुत बेहतर है और अगर इसके अंदर आप AC के वेंट्स भी देखें तो उसमें 4 वेंट्स हैं जबकि महरान में जो है वो 2 वेंट्स आते थे सेंटर में, एक राइट साइड पे। बाकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इज़ मच बेटर देन महरान। गाड़ी के डोर्स पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और आज लगभग तकरीबन 12-13 साल गुजरने के बाद भी इस डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है वो बताती है, इस बात का सबूत है कि गाड़ी की जो क्वालिटी थी, बिल्ड क्वालिटी एज फार एज इंटीरियर इज़ कंसर्न, वॉज वेरी गुड। अंदर कोई फ्रिल्स नहीं है। अगर आप स्पीडोमीटर की बात करें तो उसमें सिंपल एक स्पीड नीडल है, साथ उसके टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज है, कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक चीज़ जो इस गाड़ी में उस ज़माने के लिहाज से डिफरेंट थी कि इसका जो ओडोमीटर है वो डिजिटल माइलेज है। अगर आपको याद हो उस ज़माने में 2000 मॉडल में करोला हो, सिविक हो, महरान हो, कोई भी गाड़ी हो, सेंट्रो भी थी, सब के अंदर एनालॉग ओडोमीटर आता था। ये पहली गाड़ी थी अपने लीग के अंदर जिसके अंदर डिजिटल जो है आपको ओडोमीटर मिलता है जो गाड़ी की माइलेज आपको बताता है। जहाँ तक गाड़ी के ऑडियो सिस्टम का ताल्लुक है तो VX वेरियंट के अंदर कोई आपके अंदर ऑडियो सिस्टम प्री इंस्टॉल नहीं आता था, VXR में आता था और वो भी कैसेट प्लेयर आता था। अभी तो जो गाड़ी हम रिव्यू कर रहे हैं इसमें इन्होंने CD प्लेयर लगाया हुआ है, बट VXR वेरिएंट में जो है आपको कैसेट प्लेयर मिलता था। इसके अलावा एक और चीज़ डैशबोर्ड में आपको नजर आएगी जो इस सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं होती थी, वो एक कप होल्डर की प्रेजेंस है जो कि आपको AC वेंट के नीचे मिलता है। सो ये कप होल्डर हो गया। उसके अलावा नॉर्मल डैशबोर्ड के ऊपर गाड़ी के जो मेन डैशबोर्ड है उसमें एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है जो कि ओपन है। इसके अलावा स्पीकर्स जो हैं जो आपको नज़र आएंगे वो भी कन्वेंशनली, अगर आप देखें तो गाड़ियों के दरवाजे के अंदर स्पीकर आते थे, इसके डैशबोर्ड के अंदर जो है मेन डैशबोर्ड के अंदर ही दो स्पीकर जो है माउंटेड हैं,
एंड मेरा ख्याल है वो वी एक्स वेरियंट में तो उसके लिए कोई यूज़ नहीं होगा ना, उसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर वो स्पीकर लगे होंगे, खाली जालियाँ हैं। गाड़ी के जो गियर लीवर की पोजीशनिंग है वो भी बड़ी अच्छी है, आपके राइट हैंड मतलब आपके हाथ की रीच के अंदर है, और गाड़ी का जितना पूरा आपका क्लस्टर है वो, क्योंकि एक तो गाड़ी का साइज़ बहुत छोटा है तो आपके सारा विद इन योर आर्म्स लेंथ के अंदर मौजूद है। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में बैठ के महसूस हो रही है, इससे पहले हमने जो बजट सीरीज़ में रिव्यू किए हैं उसमें कोरे का भी हमने किया था और सेंट्रो का भी किया था, सो अगर मैं उन तीनों गाड़ियों में से इस गाड़ी को कंपेयर करूं तो इसकी जो सीटिंग स्पेस है वो सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है। हालांकि देखने में ये गाड़ी आपको जो है उससे बड़ी लगेगी कोरे से, अगर आपको जनरली फील भी गाड़ी की देखें फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इट, इट लुक्स अ बिगर कार देन कोरे एंड अ स्मॉलर वन देन सेंट्रो, बट अगर आप सीटिंग कैपेसिटी के लिहाज से देखें तो गाड़ी के अंदर बैठ के आपको कंजेस्टेड सा फील होता है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा जो सीटिंग स्पेस है वो ज़्यादा नहीं है। मेरी ड्राइविंग सीट पे तो ठीक है, लेकिन अगर ड्राइविंग सीट आपने फुल पीछे की हो तो पिछली सीट वाले पैसेंजर जो हैं वो बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा उनके पास स्पेस जो है लिमिटेड है, और उसकी वजह से जो आपकी बूट स्पेस है वो मेरा ख्याल है जो उन्होंने दिस इज ऑलवेज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन बूट स्पेस एंड पैसेंजर स्पेस, इस गाड़ी की बूट स्पेस एज अपोज टू कोरे जो है वो बेहतर है। ज़्यादा गाड़ी की ड्राइव का ताल्लुक है, गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है और बड़ी स्मूथ है। इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो अपनी जो है ना परफॉर्मेंस की वजह से बड़ी मशहूर थी, और उस ज़माने में ये सुजुकी की हॉट सेलिंग आइटम में से एक गाड़ियों में से एक थी, और आज भी 13-14 साल गुजरने के बाद भी जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो इसकी सस्पेंशन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मतलब इस टाइम मैं इसको कैट आई से गुजार रहा हूँ, आपको फील हो रहा होगा आवाज़ आएगी थोड़ी सी, बट जो जनरली गाड़ी का बम्प्स के ऊपर, जंप्स के ऊपर या जहीं खड्डों वाली रोड पर जो रिस्पॉन्स है बड़ा ऑप्टिमल है, तो उस लिहाज से उस डिपार्टमेंट में गाड़ी बहुत अच्छी है। गाड़ी का एसी जो है वो बहुत अच्छा था, उसका भी मैं आपको अगर इस टाइम इस हॉट समर डे इसको चला के देखते हैं तो उसकी थ्रो भी बहुत अच्छी है, और जो इसकी परफॉर्मेंस है एसी काफ़ी चिल्ड एसी है, क्योंकि सुजुकी की दूसरी गाड़ियों में खासतौर पर मैरान में तो एसी का काफ़ी इशू था, एसी चलाते साथ ही गाड़ी हीट होती थी, और इसलिए सुजुकी की जो मैरान है इट वॉज़ नेवर नोन फॉर इट्स एसी, बट इन दिस केस इसका एसी बहुत अच्छा था। गाड़ी की जहाँ तक इंजन परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो गाड़ी 1000 cc होने की वजह से गाड़ी के अंदर बहुत ऑप्टिमल पावर है, और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कोरे से तो इसकी पिक कोरे से बेहतर है, इंजन की परफॉर्मेंस भी कोरे से बेहतर है, और जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, लोगों से भी बात की जो लोग इसको यूज़ करते रहे और ख़ुद भी चला के देखा, तो नो डाउट इस गाड़ी का अगर आप इंजन परफॉर्मेंस देखें तो ये कोरे से भी बेहतर है, सेंट्रो से भी बेहतर थी इसकी आउटपुट जो है, एज इन पिक वाइज गाड़ी का जो टॉर्क आपको फील होता है वो बहुत बेहतर है उससे। दूसरी वजह इसके इंजन के बेहतर होने की ये भी थी कि इसके अंदर जो इंजन है वो वही इंजन है जो कि पोटोहार के अंदर सुजुकी जीप में यूज़ होता था, इंजन गियर सेम वही है जो पोटोहार में होता था, और ये काफ़ी आजमाया हुआ इंजन था सुजुकी का। बट इसका एक डाउन साइज ये था कि क्योंकि ये कार्बोरेटर गाड़ी है, अब जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जो इकॉनमी सेक्टर में गाड़ियों का अभी तक रिव्यू किया है उसमें कोरे, सेंट्रो, ये और इसके अलावा अगर आप देखें तो उस टाइम पर सुजुकी कल्टस आती थी, बारिंग सेंट्रो ऑल ऑफ देम वर कार्बोरेटर एट दैट टाइम, बाकी सब के जो है वो कार्बोरेटर इंजन थे, इस गाड़ी में भी कार्बोरेटर इंजन था, जिसकी वजह से इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कभी भी इतनी को खास इस गाड़ी का पॉजिटिव पॉइंट नहीं रही। एक दूसरी चीज़ जो इस गाड़ी की रीसेल के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी वो इस वजह से ही आई थी बिकॉज गाड़ी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे थे, बॉडी पार्ट्स मतलब इसकी जितने भी बॉडी पार्ट्स थे और जितने आफ्टर मार्केट पार्ट्स आ रहे थे वो सब जो है इम्पोर्टेड थे, सो इम्पोर्टेड पार्ट्स होने की वजह से इसकी जो पार्ट्स की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से गाड़ी की जो रीसेल है वो थोड़ी कम थी, बिकॉज एक तो इसके पार्ट्स की प्राइसेस ज़्यादा हैं, दूसरा इसकी फ्यूल एवरेज कम है, तो इकोनॉमी सेक्टर में ये चीज़ें जो है बहुत काउंट करती थी। बट इस ज़माने में अगर हम आज इसको कंपेयर करें तो जब हम इसको इस इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ियों में देख रहे हैं, एक सर्टन बजट में देख रहे हैं, तो आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शन ये भी एक ऑप्शन में से ज़रूर है गाड़ी, बिकॉज आपको प्राइस बजट के अंदर भी अपने आप को देता होता है कि आप जब गाड़ी ले रहे हैं तो वो आपके सर्टन बजट के अंदर फॉल कर रही है कि नहीं। जहाँ तक गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस का ताल्लुक है तो हम इसको स्पीड ब्रेकर से गुजार के देखते हैं, यहाँ पे 2 speed breakers हैं एक लाइन में, सो एक अच्छा खासा बड़ा स्पीड ब्रेकर है और फुल हैवी लोड के साथ गाड़ी मैंने उस पर से गुजारी है और नहीं लगी, दूसरा ब्रेकर है इस पर देखते हैं। सो मेरे ख्याल से बड़ी एक तो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी अच्छी है, दूसरा अगर आप देखें जो गाड़ी का बम्प आया था ना स्पीड ब्रेकर के ऊपर वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई झूला सा ले रही है गाड़ी, यूजुअली जो लोकल इस तरह की गाड़ियाँ थी या जो इस इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ियाँ थी उनके अंदर जो परफॉर्मेंस थी ना शॉक सी वो इतनी अच्छी नहीं थी, सो मेरे ख्याल से बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इस गाड़ी के शॉक्स की। जहाँ तक गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी का ताल्लुक है तो शहर में ये गाड़ी 9 से लेकर 10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, जबकि हाईवे पे ये फिगर 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर की है। गाड़ी के जहाँ तक हेडरूम और लेग रूम का ताल्लुक है तो फ्रंट पे लेग रूम तो काफ़ी कंसिडरेबली ठीक है, बट एक चीज़ जो आपके लिए हैंडल हो सकती है जो गाड़ी का डैशबोर्ड है ना वो इफ समबडी इज़ वेरी टॉल तो वो शायद उसके पैर जो है डैशबोर्ड को लगें, बट अगर उस सीट को फुल पीछे कर ले तो वो इशू तो हल हो जाता है। हेडरूम जहाँ तक है वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि गाड़ी के अंदर जब आप बैठ जाते हैं तब तो हेडरूम ठीक है, लेकिन आपके जो एंट्री और एग्जिट है गाड़ी से
वो अगर आप देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम है, दैट कैन बी ट्रिकी, और वो अगर कोई बड़े कद का आदमी है तो उसके लिए बैठने में और उतरने में मसला हो सकता है, बट वंस इनसाइड तो उसके बाद काफ़ी कंसिडरेबल जो इसका हेडरूम है काफ़ी बेहतर है। लेग रूम अगेन मैंने आपको बताया, अगर आप सीट फुल पीछे कर लें तो कोई इशू नहीं है। अब हम पिछले सीट को देखते हैं कि पिछली सीट पे लेग रूम की क्या सूरत हाल है अगर अगली सीट फुल पीछे की हुई है। सो अगली सीट फुल पीछे करके एक तो पहली बात बैठना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी टांगें बिल्कुल फंस चुकी हैं, मुझे सीट को आगे करना पड़ेगा। अगर लेग स्पेस हो भी जाए तो हेड स्पेस इज़ नॉट एन इशू, हेड स्पेस अगेन एंट्री और एग्जिट के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट वंस यू आर इनसाइड देयर इज़ कंसिडरेबल हेड रूम। उसके अलावा अगर आप पीपल टेस्ट करना चाहें इस गाड़ी में, मेरे ख्याल से बड़े आराम से दो एडल्ट्स और एक बच्चा बैठ सकता है क्योंकि इसके अंदर अगर लेग स्पेस अगर आप थोड़ी स्पीड आगे कर लें तो देन इट्स नॉट एन इशू। और वैसे कैपेसिटी वाइज दो एल्डर्स और एक बच्चे के लिए या तीन एडल्ट जो हैं शहर के अंदर, मेरा ख्याल है बड़े आराम से इस गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं। गाड़ी की जहाँ तक बूट स्पेस का ताल्लुक है तो हम इस पर चेक करते हैं खोल के। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और काफ़ी डीप तक जाती है। सो गाड़ी की ये फटा भी बाद में लगाया गया क्योंकि जेन्युइन जब गाड़ी आती थी उसमें कोई स्पीकर या कोई फटा नहीं था, तो यहाँ पे लगेज बड़ा भी रख सकते हैं आप, स्ट्रेची भी और सूटकेस बड़े आराम से आ सकता है, प्लस काफ़ी डीप है। और अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज करनी हो तो जिस तरह आपको मैं पहले भी कई गाड़ियों में बता चुका हूँ कि आप इसकी सीट आगे करके पूरी डिगी के अंदर भी स्टोरेज कर सकते हैं, तो स्टोरेज कैपेसिटी का कोई इशू नहीं था इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल गाड़ी की जो ड्राइव थी, उसका कम्फर्ट, इसकी सस्पेंशन, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और मैंने आपको जिस तरह रिव्यू में कंपैरिजन करके बताया बजट सीरीज़ की दूसरी गाड़ियों में कि कई चीज़ों में उनसे बेहतर थी वहाँ, कई चीज़ों में वो इनसे बेहतर थी। इकोनॉमी सेक्टर में लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल करते हैं वो गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी है, और मेरे ख्याल से इस गाड़ी की जो मार्केट में रीसेल कम होने की वजह थी वो इसकी जो फ्यूल परफॉर्मेंस थी वो बहुत बुरी थी, क्योंकि एक 1000 cc गाड़ी थी, दूसरा ये कार्बोरेटर इंजन के साथ थी, और कपल्ड विद इसके जो पार्ट्स थे वो सारे ज़्यादातर उस ज़माने में इंपोर्टेड आते थे, तो जो इसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स थे वो भी बहुत महंगे थे। ये दोनों चीज़ें इकट्ठे होकर इस गाड़ी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना मार्केट में उसको बड़ा वीक कर देती थी, और यही वजह थी कि गाड़ी की जो रीसेल है वो मार्केट में इतनी अच्छी नहीं थी। स्टिल उस ज़माने में गाड़ी में CNG की अवेलेबिलिटी की वजह से ये गाड़ी फिर भी बहुत ज़्यादा तौर पे एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि CNG अवेलेबल होने के बाद से ये गाड़ी मार्केट में पिकअप करना शुरू कर गई थी, बिकॉज फ्यूल इकोनॉमी वाला जो पॉइंट है वो उसका मसला हल हो गया था, लोग CNG को एज ए ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे थे, और CNG पे भी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बट आज के दौर में जब हम ये रिव्यू शूट कर रहे हैं तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इस गाड़ी को सेंट्रो के साथ, इस गाड़ी को कोरे के साथ या फिर कल्टस के साथ, आज के दौर में आपको CNG अवेलेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी सेक्टर में होते हुए इस गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सो व्यूअर्स, अगर आप सुजुकी ऑल्टो खरीदना चाह रहे हैं तो पाक व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन के ऊपर जाएं, वहाँ पे सुजुकी ऑल्टो और 1000 cc का फिल्टर लगाएं, तो तकरीबन 1100 के करीब आपको गाड़ियाँ अवेलेबल हैं सेल के लिए, जिनकी प्राइस 3 से 7 लाख रुपये के दरमियान है। सो व्यूअर्स, जब आपने गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि गाड़ी खरीदने से पहले पाक व्हील्स की यूज़ कार इंस्पेक्शन सर्विस जो है उसको इस्तेमाल करें, जो कि आपको गाड़ी का 200 पॉइंट्स के ऊपर चेक देती है, और वो भी डिजिटल फॉर्मेट के ऊपर, जिसमें गाड़ी का पेंट, सस्पेंशन, इंजन, बॉडी, हर चीज़ की रिपोर्ट शामिल है। पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस का इस्तेमाल कीजिए और धोखे से बचें। सो व्यूअर्स, अभी इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए पाक व्हील्स की ऐप को अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आते रहें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी आरा से आगाह करें, हम आपकी फीडबैक को हमेशा पॉजिटिवली लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस को मजीद इंप्रूव करें। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, कीप योरसेल्फ सेफ, एंजॉय पार्क व्हीलिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।